कोई अपनी नाम का कोई आम से नहीं था इस तरह जिसका नाम लिया जा रहा है। मखदूम बिलावल एक दरवेश आदमी था जिसका ताल्लुक सिंध से और दादू डिस्ट्रिक्ट से। अंग्रेजों के टाइम में उसने जंग की। दोस्त मिठास दिलदार आलम सभा भास्कर मेरे आए हुए सारे मेहमान ग्राम और अहले मोहल्ला और मेरे सारे साथी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये गरीब कहता चलूं कि ये हमारे भी तंजीम में मखदूम बिलावल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ये एक प्योरली वेलफेयर की तंजीम है। हमारा कोई पॉलिटिकल इसमें इन्फ्लुएंस या कोई भी इसमें शराकत नहीं है। हम जो भी काम करते हैं इंसानियत की फलाह मजबूत के लिए करते हैं। और पिछले साल आपको याद होगा कि बारिशों के दौरान हमने एक छोटी सी कोशिश की थी और जितना हमसे हो सका हमने बरसात मुतासरीन के लिए कुछ इकट्ठा करके उनकी मदद की। तो आइंदा भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके ताउन से और हमारे भी तंजीम के ताउन से जितना भी हो सकेगा सबकी खिदमत करेंगे। नाम करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के जितने भी मेरे पास या मेरे बच्चे मेरे वर्कर मौजूद हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जब तक मेरी तकरीर चलेगी कोई नारा सियासी नारा नहीं लगेगा। प्लीज नंबर एक। नंबर टू, अगर किसी ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से नारा लगा लिया है इसको दिल पे लेने की कतन कोई बात नहीं है। हर शख्स को हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक है जितना हमें है और हर पार्टी हर शख्स को जिसकी पार्टी उसकी कि किस तरह से वेल मैनेज तमाम जितने भी काबिल एहतराम मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए स्टेज पर और आप दोस्तों को देखा और जब हमें पता चला इस वेलफेयर एसोसिएशन का क्योंकि कुछ टाइम पहले बल्कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ दोस्त हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने हमें बताया कि हमारी ये इस तरह की वेलफेयर एसोसिएशन जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ मुख्तलिफ जात के लोग मिलकर हमने यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाई हुई है जिसमें हमारा मकसद गरीब और मिस्कीन लोग वो लोग जो बेसहारा यारो मददगार हैं उनकी खिदमत करते हैं। तो सच पूछे मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे कराची के अंदर बल्कि मैं आपको बताऊं हमारा सिंध मल्ला फोरम जिसका मैं सदर हूं उसका भी काम यही है। हम भी फलाह और बहबूद के लिए ही काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें दिली एक सुकून मिलता है एक खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी के काम आ सके हम किसी की मदद कर सके। लिहाजा वही कारवां यहाँ जो दोस्त बैठे हैं वो भी लेकर चल रहे हैं। मैं इन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ये खिदमत हर किसी के बस की बात नहीं है हर किसी का काम कि आजकल आपको पता है हालात का लेकिन इस हालात में जो दोस्त काम कर रहे हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनको अपनी बिरादरी की जानिब से यकीन दिलाता हूँ कि जब भी इंशाल्लाह आपकी हमारी जरूरत पड़ेगी आप हमें शाना बशाना पाएंगे आपके साथ रहेंगे मौजूद रहेंगे। दूसरा उसके अलावा जैसे कि दोस्तों और साथियों आपको पानी है मैं तमाम दोस्तों से जो भी यहाँ बैठे हैं बस बल्कि इस इलाके में जो रहते हैं जो किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक रखते हैं किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा इलेक्शन
हर किसी का जमहूरी हक है, जो जिसको चाहे वोट दे, उस वोट के लिए इलेक्शन के एक दिन के लिए एक दूसरे से ताल्लुकात खराब ना करें, एक दूसरे का साथ ना छोड़े। आप किसके लिए ताल्लुकात खराब करते हैं? उन सियासी लोगों के लिए, उनको आप देखें इलेक्शन के बाद असेंबलियों में एक है, गले मिलकर बैठते हैं, आपस में कचहरियां करते हैं। लेकिन आप और हम जिनका सालों से, सदियों से, बरसों से ताल्लुक है, एक इलेक्शन के लिए एक दूसरे से आना जाना खत्म, ताल्लुक खत्म। लिहाजा मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश करता हूं, जिसको चाहे वोट दे, लेकिन एक दूसरे से ताल्लुक खत्म ना करें, क्योंकि खुदा न खासा इस जगह पर अगर आपको कोई तकलीफ होगी, आपको कोई परेशानी होगी, तो सियासी लीडरान जब पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन आपका वो इलाके का भाई, आपका वो दोस्त जो यहाँ रहता है, वो आपके लिए सबसे पहले खड़ा होगा और आपके साथ रहेगा। इसी तरह मैं हमेशा से दोस्तों से गुजारिश करता हूं, हमारी ये ख्वाहिश है कि कराची भर के अंदर इस तरह के इत्तेहाद पैदा हो, इलाकाई सतह पर इत्तेहाद बनाएं, एक दूसरे को सामने लेकर आएं, एक दूसरे की इज्जत एहतराम करें, क्योंकि आपका दुख और दर्द जितना आप समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता। तो लिहाजा मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको यकीन दिला के जा रहा हूं, बल्कि इन बुजुर्गों से कहता हूं जो आपकी खिदमत है, इंशाल्लाह ताला उसका अजर आपको यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रोज़े महशर इसका अजर कुछ और ही होगा जो आप देखेंगे। तो आखिर में, क्योंकि हमें कहीं एक दो जगह और भी जाना है, मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं अपनी बिरादरी की जानिब से, दोबारा से आपको यकीन दहानी करके जा रहा हूं। आखिर में मैं चाहता हूं कि मेरे यहां कुछ सिंधी दोस्त बैठे हैं, मेरी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सिंधी में बात करना चाहता हूं। मुझे तमाम काबिल एहतराम दोस्त मुख्तलिफ बिरादरी से जिनके भी ताल्लुक रखन था, दोस्तों ही साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ एने के उम्मीदवार हैं जनाब अली राशिद साहब। अली राशिद साहब भी, उनका जो पुराना बैकग्राउंड है, उन्होंने एक बेहतरीन अपनी जिंदगी की सियासी नींव खेली है और वो बेहतरीन अपना सियासी मनसब पे फाइल रहे, बेहतरीन तरीके से उन्होंने आवाम की खिदमत की। इसके साथ साथ जो हमारे हर दिन अजीज शख्सियत है जनाब फारूक अवान भाई, मेरा नहीं ख्याल वो किसी तारीफ के मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो सलाहियत दी जो एक आम आदमी या आम सियासतदान में नहीं होती। उन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज की कैंपेन में इससे पहले फारूक जितने भी दूर दूर से आए हैं और अपना कीमती टाइम लेके आए हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। सब पिंडाल को वेलकम कर रहा हूं। मैं पहले शाह लकी भिटाई के शेर के हिसाब से फिर मैं शुरू करूंगा आगाज। साई मुसदाई करी मथे संस्कार, दोस्त मठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। इसमें मुझे एक और शेर याद आ गया है, तू बिकना चाहिए बिलाल वेलफेयर सिस्टम के प्लेटफॉर्म से असंख कसम खाया हो फिनांस सेक्रेटरी जो मे उदो मिलो इंशाल्लाह उदे से इंशाल्लाह सही तरीके से कम करासी। याद में भी मखदूम बिलाल वेलफेयर सिस्टम मेहमानों को सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मखदूम बिलाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इसके बाद ये हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियां रखी गई है हम इसको सर अंजाम तक देंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे ऊपर जो भी काम हो हम इसके साथ हैं, हमारी हिंदू बिरादरी हम इनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। के सदर अब्बास नेता साहब और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस दावत में, इस बर्दारी में मदू किया, और तमाम मेम्बरान, तमाम पंडाल में बैठे हुए तमाम लोग खिदमत के जज्बे से किसी काम की नियत करता है तो अल्लाह की तौफीक से है। इंसान अपनी जात से कुछ भी नहीं है। जिस तरह आज मखदूम वेलफेयर वालों काटी वालों ने आज ये पैगाम और ये जो मखदूम बिलावल वेलफेयर की तरफ से जो प्रोग्राम आगाज किया गया मेरे छोटे भाई ने कुछ छोड़ा तो नहीं है आसद भाई, कुछ बातें मैं भी कर दूंगा भाई।
मेरा लक्ष्य का हम लोगों को जो बिटाई कॉलोनी का सुजात भाई है और उसका भाई है उसका वालिद है और ये प्रेड टीम और बिलावल सोसाइटी का जो मेरे भाई दोस्त आया हम उससे मखदूम बिलावल सोशल वेलफेयर जो बुनियाद हमारे सरबरा गुलाम आबाद तो साहब ने सन 2000 में रखा उसके बाद काफी गरीब मिस्किन लोगों साहब मेरे इंतहाई मजिज डॉक्टर साहब और एमकेएम से शामिल होने वाले मेयर साहब सलीम अवान साहब नीम अवान साहब और बहुत सारे लोग बैठे इस वक्त मैंने पीछे देखा नहीं इतने लोग बैठे हैं और कंडार में आए हुए नौजवान हैं और काफी अच्छा दोस्तों अवान साहब कह रहे हैं कि हम खिदमत करेंगे 91 में जब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता बिजली गैस तो दोस्तों उस वक्त भी यहाँ के बाहर जो लोगों ने सर्वे में भी ये बताया था 91 में कि वो किसी दहशतगर्द को वोट नहीं देंगे तो उन्होंने अपना कैंडिडेट विदा की आज भी उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला उन्होंने उधार बात की खुशी है कि मखदूम बिलावल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर होते थे मैं वालिद साहब मैं मौलाना गुलाम कादर मेमन का बेटा हूँ सदर साहब उनको जानते होंगे और ये मेरी कौम के लिए है और मैं फलाही काम का खुद भी सोचती हूँ अलहमदुल्ला अल्लाह तला ने शर्त बख्शा है जहाँ जहाँ भी किसी को जरूरत होती है और हमें आवाज़ देते तो इंशाल्लाह हम लपेट कहते हैं तो ये मेरी बरादरी भी है मैं इनके साथ हूँ और अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला ये फलेगी फूलेगी और बिटाई करूंगी मैं इंशाल्लाह मिसाल कायम करेगी और इंशाल्लाह ताला तमाम इंसानियत की खिदमत करूंगी मेहरबानी हम ये चाहते हैं कि तमाम कराची के अंदर इसी तरह तमाम जबानें बोलने वाले तमाम मैं कहता हूँ रंग और नस्ल से बालातर होकर अगर आपस में इसी तरह प्यार मोहब्बत और यकजहती मनाए तो इंशाल्लाह ताला ये शहर हमारा है मिलकर इंशाल्लाह ताला इस शहर में हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो है वो काम भी करवाएंगे और भरपूर तरीके से अपना जो है शहर को और भी करेंगे मिलकर शहर में एक दूसरे के भाई बने बड़ी मुश्किल से शहर का अमन कायम हुआ है बड़ी खूबी समझे कि लोगों ने कुर्बानियां देकर शहर का अमन हाल किया है इलेक्शन आने जाने हैं इलेक्शन के लिए एक दूसरे का हमारे आए प्यार मोहब्बत के जमहूरियत में जिसका जहाँ हक है जिसका जहाँ दिल चाहता है वो वोट दे लेकिन आए मिलकर एक दूसरे के भाई बन के इलाके और मोहल्ले में रहें और शहर को मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि तमाम दोस्त जितने भी आज कल उठे बजाय इसके कि मैं गुजारूंगा टिकटॉक बनाने के अपने गली मोहल्लों के मसाइल को उजागर करें गली मोहल्लों में अगर कोई मसाइल आए सोशल मीडिया पर मसाइल उठाएं अपने मोहल्लों के लिए गलियों के लिए का काम करें तमाम जितने भी यहाँ पर आपके नौजवान दोस्त हैं उनकी शाना बशाना खड़े हों उनको बाहर लगाएं अगर आपकी कहीं पहुंच चुकी है कोई दोस्त अगर बेरोजगार है कोशिश करें कि उसको किसी रोजगार से लगाएं इसी तरह प्यार और मोहब्बत इंशाल्लाह ताला हमारा और आपका कायम रहेगा ये शहर फिर से रोशन होगा शहर नूरला शेख साहब को वो आए और कलाम पाक के तलाव करें नूरला शेख साहब।